हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है। मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हम हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? हमारे पास चॉइस थी, चाहते तो जा सकते थे। कौन है हमसे बड़ा देशभक्त? चॉइस थी हमारे पास, जा सकते थे लेकिन रुक गए। हम वो नहीं है जो कराची चले गए, उनमें से नहीं हम। हम रुक गए, चाहते तो चले जाते बाप दादा हमारे, लेकिन नहीं गए, रुक गए। और हमारी पुश्ते यही दफन होंगी इंशाल्लाह इसी मिट्टी में। ये हमसे वफादारी का सबूत मानते हैं, वफादारी का सबूत मानते हैं ये लोग। और ये भी सुन ले कि जरूरत पड़ेगी तो इसी मिट्टी के लिए कुर्बानी भी देने को हम हाजिर है, कुर्बानी भी देंगे हम। और हमारा मजहब भी सिखाता है कि जहां रहो उसके वफादार रहो, वफादार रहना जरूरी है। और ये अब्बा ने तब भी कहा था कि ए लोगों, ऐ सियासतदारों सुन लो, हम सीने पे गोली खाएंगे, मुरली मनोहर जोशी तुम सीने पे गोली नहीं खाओगे। ये अब्बा ने बोला था। सन्नवासी से तारीख है कि आज तक किसी दंगा किसी दंगे के वजह से, दंगे की आग के वजह से इलाहाबाद के आसपास का घर कभी किसी ने जलाया नहीं। ये तारीख गवाह है खुद में कि हमारे वालिद जब से विधायक बने तब से किसी दंगे ने किसी के घर को जलाया नहीं। आखिर जब घर जलाना हुआ तो सबसे पहले हमारा घर जलाया, हमारा घर तोड़ा, हमारा घर पूरा तोड़ के एक कर दिया। और ये तोड़ के ये हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा पहले तोड़ा लेकिन उन्होंने हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर क्या जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है। मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। मेरी माँ, मेरी माँ से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आप 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं, कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू ना बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। अब जरूरत हमें आपको है कि किसी की दलाली बाजारी न किया जाए, किसी का झंडा न उठाया जाए। झंडा उठाया जाए तो अपना झंडा उठाया जाए, बात की जाए तो अपनी बात की जाए, किसी और गैर की बात न की जाए। हमारे साथ अगर हक पे चलने वाले लोग हर तरीके से जुड़ने को तैयार हैं तो हम वो लोग हैं जो हक के लिए जान दे सकते हैं, एक पल को नहीं सोचते। हम उनमें से हैं।